चौमेला से जुड़े हुए हैं हमारे रिपोर्टर संजय जी राठौर। लगातार संजय, जिस तरह से चोरी की घटना जो है अभी हुई है और आपने जो अभी खबर को प्रकाशित करने की बात करी है, इसमें क्या है पूरा मामला? सर, ये कुंडला रोड का मामला है। ईदगाह के सामने जो कॉलोनी है उसमें मिस्त्री है, मकान बनाने का काम करता है। तो वो और उसकी पत्नी तो सुबह से ही घर से गए थे और बच्चा भी स्कूल गया था जी। तो बच्चा जब स्कूल से आया तो उसने देखा कि किवाड़ खुला हुआ है और ताला जो है पलंग पे रखा है और ताला सारा जो सामान जो है घर का अस्त-व्यस्त पड़ा है। संजय, कितनी बजे की घटना है संजय? ये जब उनका बच्चा लगभग 1:15 या 1:30 बजे आया तो उसने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी के फोन से उसने फोन लगवाया जी। तो वहाँ पर फिर पड़ोसी ने उसके पापा को बताया, उसके पापा आए और उसने सबको सूचना दी और जो थाना अधिकारी है नए मुकेश यादव वो भी यहाँ पर आकर जो है उनने जानकारी ली घटना की। लगभग लगभग कितने का सामान चोरी हुआ है, दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया? ये इसमें बता रहा है वो 2 सोने की बाली है बच्चे की और वो जो गुल्लक में वो जो रुपए डालते थे एक अपने साल भर के लिए इकट्ठा करने के लिए उसमें 10 से 20 हजार भी हो सकते हैं। उनने बताया कि उसकी कोई अनुमान नहीं, वो 10-20 हजार के लगभग हो सकते हैं। अभी पुलिस का क्या एंगल है, पुलिस किस एंगल पे काम कर रही है? पुलिस अभी जांच कर रही है और जो अभी थाना अधिकारी आए थे उन्होंने बोला कि मामला रजिस्टर्ड करवाया। अच्छा, ये जो सुना मकान था तो कहीं मतलब परिवार के लोग कहीं गए हुए थे क्या? परिवार वाले सारे ही पति पत्नी है वो मजदूरी पे गए थे और बच्चा जो है वो स्कूल गया था परीक्षा की जो, तो मिडिल फैमिली से है क्या ये परिवार? ये बहुत ही गरीब परिवार से है, मजदूरी करते हैं। आगे की और जानकारी आप बनाए रखे नजर अपनी की इसमें आगे अपडेट क्या निकल कर आता है। जिस तरह से चौमेला के अंदर जो चोरी की घटना सामने आई है, दिन दहाड़े एक सोने मकान के अंदर बताया जा रहा है कि भाई आभूषण जो है वो पार हुए हैं और कुछ नकदी 10-20 हजार की वो पार हुई है। अब ऐसे में क्या पुलिस किस एंगल को देखती है और पुलिस आरोपी तक कब तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे लाइन फोन लाइन पर संजय राठौर जो लगातार खबरों से जुड़े रहते हैं, धन्यवाद संजय। हम तो काम पर गए सुबह यहाँ से। तो कहाँ पे रहते हो आप? मैं ईदगाह के पास में वेद जी के जो अपना कॉलोनी है आदर्श नगर चौमेला में इसमें रहता हूँ मैं। और काम पे से वापस आया तो स्कूल से बच्चा आया तो इसको पता चला कि ताला तोड़ रखा है और हमने सामान देखा तो अंदर सोने की बाली और चांदी की चेन गायब है। और नकदी कितनी थी? नकदी उसमें गल्ले में बिना गिनती के पैसे पड़े, क्या मालूम कितने थे, उसमें हमने जमा कर रखे थे। अच्छा। और जैसे और क्या नुकसान हुआ इसका? बस और कुछ भी नहीं है, छोड़ी के सामान गए सफाई जब चेन ने सोने की बाली ने।